afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, beta. Very good afternoon. आज तो परिधि आई है बहुत दिनों से क्लास में. मैम कल भी तो आई थी ना. कल कल कहाँ आए थे बेटा? यस यस मैम कल आई थी मैं. कल तो क्लास ही नहीं हुई थी मेरी. नो मैम कल कल आप लिए ही नहीं थे क्लास. कल लाइट नहीं थी ना बेटा इसलिए क्लास नहीं हुई थी मेरी. यस मैम. चलो अभी तो डेली लोगे ना क्लास आप बेटा? यस मैम डेली लेंगे. ओके बेटा ओके ओके लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. आज की क्लास स्टार्ट करें बेटा? यस मैम. अभी ओनली टू स्टूडेंट्स? यस मैम. बाकी बच्चे आराम से आएंगे है ना धीरे धीरे. टेक आउट योर रफ नोटबुक बेटा. अपनी रफ नोटबुक निकाल लो फिर उसमें आप मेरे साथ साथ आप भी राइट करना. ओके टेक आउट योर रफ नोटबुक एंड राइट विद मी ऑल द वर्ड मीनिंग्स. ओके लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट नंबर इज अवर कॉन्टिनेंट्स. कॉन्टिनेंट्स चैप्टर पढ़ाया था तब भी मैंने कॉन्टिनेंट अच्छे से बहुत बार समझाया था आपको. फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि आप बच्चों का बहुत कम रिस्पॉन्स आता है. तो फिर से मैं एक बार वापस से समझा देती हूँ ठीक है. कॉन्टिनेंट क्या होते हैं बेटा? लार्ज एरिया ऑफ लैंड. लार्जर एरिया मतलब जमीन के बड़े बड़े जो भाग होते हैं लैंड के बड़े बड़े जो भाग होते हैं उन्हें हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं. हमारी जो अर्थ पे जो लैंड है इसको कुछ हिस्सों में बांट दिया गया है. कुछ कॉन्टिनेंट्स में बांट दिया गया है. हमारी अर्थ पे जो जमीन है लैंड है कितनी है? 29% जो लैंड है हमारी अर्थ पे उसको बड़े बड़े भागों को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया. किसी को एशिया का नाम दे दिया, किसी को ऑस्ट्रेलिया दे दिया, एक को नॉर्थ अमेरिका दे दिया, किसी को साउथ अमेरिका दे दिया, किसी को यूरोप दे दिया, किसी को अफ्रीका दे दिया ठीक है. तो हमारी जो लैंड है उसको कुछ पार्ट्स में उसके जो लैंड के एरिया है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जिसे हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं. तो कॉन्टिनेंट का क्या होगा? द लार्ज एरियाज ऑफ लैंड. बड़े बड़े एरिया किसके? लार्ज एरियाज ऑफ लैंड ऑन अर्थ अर्थ सरफेस. लार्ज एरियाज ऑफ लैंड ऑन अर्थ सरफेस. कि अर्थ की सरफेस पे लैंड के बड़े बड़े एरिया बड़े बड़े भाग जिनको हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स कहते हैं. ओके बेटा हैव यू अंडरस्टैंड? यस मैम. आजकल यश नहीं आ रहा ना? यश क्लास नहीं ले रहा है? आज दीक्षा भी नहीं है. चलो कोई बात नहीं. लिख रहे हो बच्चे? सब बच्चे ये धर्मेश ने लिखा बाल बना रहा है ये धर्मेश. यस मैम. धर्मेश बेटे आप क्या कर रहे हो? हेयर स्टाइल बना रहे हो बेटे? बेटे मैंने कहा रफ नोटबुक निकालो और साथ साथ में राइट करो आप इसके. नाउ नेक्स्ट इज अवर लैंड फॉर्म्स. लैंड फॉर्म. लैंड फॉर्म क्या होते हैं? कि हमारे अर्थ पे जो लैंड है जो जमीन है 29% जो लैंड है वो अलग अलग तरीके की है. लाइक जमीन के रूप मतलब अलग अलग फॉर्म में है. जैसे कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे हिल्स है, कहीं पे प्लेन्स है, कहीं पे प्लेट्यूज है ठीक है. अलग अलग तरह की लैंड है. एक जैसी नहीं है कि सिर्फ मैदान ही मैदान नहीं है, फ्लैट एरिया नहीं है. कहीं पहाड़ है ऊंचे ऊंचे, कहीं छोटे पहाड़ है, कहीं पे क्या है
प्लेट्यूज है, इस तरह से ऊपर जाके फिर सीधा ऊबड़ खाबड़, कहीं प्लेन है कहीं समुद्र के आसपास के एरिया है, तो अलग अलग तरह की लैंड है। तो नेचुरल फीचर्स ऑन अर्थ सरफेस, तो ये लैंड है जो हमने थोड़ी ऐसे बनाई है, ये तो नेचुरली बनी हुई है, ये तो भगवान की बनाई हुई है, गॉड की बनाई हुई है, नेचुरली कुदरती प्राकृतिक तरीके से बनी हुई ही है ऐसी, कि कहीं पहाड़ बन रहे हैं, कहीं छोटे पहाड़ है, कहीं बड़े हैं, कहीं पठार है, कहीं पे मैदान है, फ्लैट एरिया है, कहीं पे प्लेट्यू है, तो इन सबको हम क्या कहते हैं, लैंड फॉर्म, नेचुरल फीचर्स। नेचुरल फीचर्स कि जो किसने बनाए हैं, नेचुरली बने हुए हैं, गॉड के बनाए हुए हैं। नेचुरल फीचर्स ऑन अर्थ सरफेस, यहाँ पे अर्थ पे जो अलग अलग फीचर्स हैं लैंड के, उन्हें हम क्या कहते हैं, लैंड फॉर्म कहते हैं। ओके बेटा, हैव यू अंडरस्टैंड? यस मैम। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट है माउंटेन्स। मैंने चैप्टर पढ़ाया था तब भी सारा समझाया था, डायग्राम बना बना के, कि माउंटेन क्या होती है, हिल क्या होती है, वैली क्या होती है, फिर से बता देंगे, कोई बात नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। मेरा मोटिव इतना ही है बेटा कि आपको समझ में आ जाए एक चीज को, हम yes, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बेटा अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है? ओके, माउंटेन्स। माउंटेन क्या होती है? माउंटेन बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं वो माउंटेन्स होती है। तो हमारी लैंड का जो सबसे ऊंचा भाग होता है, हाईएस्ट एरिया जो होता है, क्योंकि पहाड़ों से ऊंचा कुछ भी नहीं होता, जो पहाड़ होते हैं सबसे ऊंचे वही होते हैं, जमीन का सबसे ऊंचा भाग कौन सा होता है? माउंटेन ही होता है। तो माउंटेन्स क्या होती है? हाईएस्ट एरियाज ऑन लैंड, मैं पहाड़ी होते हैं, हाईएस्ट एरिया, सबसे ऊंचे एरिया होते हैं ये, कहां पे? लैंड पे, ऑफ लैंड। मैम लैंड पे, हाईएस्ट एरियाज ऑफ लैंड। चलो, सबने लिख लिया बेटा? यस मैम। मैम आप साइड में हो ना? मैम यस मैम, मैंने नहीं लिखा बेटा। बाय। मैम बोर्ड ही नहीं दिख रहा। बोर्ड ही नहीं दिख रहा है? किसको नहीं दिख रहा है बोर्ड? हितांशी को? यस मैम, अब दिख रहा है। अब दिख रहा है? नो मैम, अब थोड़ा सा नेट शुरू होता है ना, तब ये दिखाई नहीं देता प्रॉपरली। हमें वो दिख रहा है अच्छे से, वो राइट कर लो, है ना? चलो, अब हम बात करते हैं हिल्स। हिल्स, हिल्स के बारे में बात करते हैं। देखो, माउंटेन तो क्या होते हैं बेटे? सबसे हाईएस्ट एरिया होते हैं, सबसे ऊंचे होते हैं माउंटेन जो होती है। मैम मैंने राइट कर लिया। ओके बेटा, चलो सुनो अभी अच्छे से, प्रॉपरली सुनो इस बात को। माउंटेन होती है वो तो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, सबसे हाईएस्ट होती है। हम बात कर रहे हैं हिल्स की। Hills are higher, but lower than mountains. Hills भी ऊंची होती है, पर क्या होती है? Mountains से थोड़ी नीचे होती है। ये mountain है और ये हो गई हमारी hill. इससे क्या होती है? थोड़ी छोटी। जैसे हमारे आसपास जो पहाड़ है, हरमाड़ा घाटी में जो पहाड़ है, हमारे आसपास जो पहाड़ है वो क्या होती है? Hills होती है। जिन पहाड़ों पे हम घूम, कई पहाड़ी एरिया होते हैं जहाँ घूमने के लिए जाते हैं, उन पहाड़ों पे चढ़ भी पाते हैं हम, सीढ़ियां भी होती हैं, चढ़ सकते हैं, वहां ऊपर कोई मंदिर है या कोई घूमने की जगह है तो उन पे जा पाते हैं, तो वो हिल्स होती है, क्योंकि वो थोड़ी छोटी होती है और उन पे हम चढ़ सकते हैं। बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में है, बर्फ से ढके हुए बड़े बड़े पहाड़ है, क्या उन पे चढ़ सकते हैं? नहीं चढ़ सकते। अरे भाई, इतने ऊंचे होते हैं, हम कहां से चढ़ेंगे उन पे? चढ़ते हैं चढ़ने वाले माउंटेनियर्स जो होते हैं, जैसे माउंटेनियर्स जो होते हैं जो उस चीज के बारे में उसकी ट्रेनिंग लेते हैं, वो चढ़ते हैं। लेकिन घूमने के पर्पज से हम कहाँ जाते हैं? हिल्स पे जाते हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां जो होती हैं। तो हिल्स क्या होती है? ऊंची होती है, बट जो माउंटेन होती है उससे थोड़ी नीचे होती है। ठीक है, समझ में आया हिल्स क्या होती है बेटा? हिल्स होती है हाई एरियाज ऑफ लैंड, ये भी हाई होती है, ऊंची होती है, हाई
एरियाज ऑफ लैंड, बट लेकिन लोअर, लोअर मतलब नीचा, नीचे होना, छोटी होना, लोअर देन, छोटी किससे होती है? माउंटेन से, ठीक है। ये क्या होती है? हाई एरिया होते हैं लैंड के, जैसे ये होती है माउंटेन होती है, बट लोअर लेकिन थोड़े छोटे होते हैं किससे? देन माउंटेन्स। बेटा ये देन दिखाई दे रहा है आपको? देन दिख रहा है अच्छे से? यस मैम, अब दिखाई दिया है। देन माउंटेन्स, ओके, समझ में आया सबको? नेक्स्ट है ओशंस। ओशंस, ओशंस क्या होते हैं हमारे? देर आर फाइव ओशंस ऑन अवर अर्थ। फाइव ओशंस की हमने बात की थी, द पैसिफिक ओशन, द एटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द आर्कटिक ओशन एंड द साउदर्न ओशन। पांच ओशन जो हमने पढ़े हैं, ओशन जहाँ पे बहुत पानी होता है, लार्ज वाटर बॉडी जहाँ पे पानी ही पानी होता है बहुत ज्यादा। अब पानी तो देखो नदियों में भी होता है, तालाब में भी होता है, कुओं में भी होता है, समुद्रों में भी होता है, लेकिन ओशंस में बहुत ज्यादा होता है। ये महासागर जो छोटे होते हैं वो सागर होते हैं, सी कहते हैं जिसे हम सीज, पर इन्हें हम महासागर क्यों कहते हैं, ओशंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा पानी होता है, दूर दूर तक फैले होते हैं। तो लार्ज वाटर बॉडीज, लार्ज वाटर बॉडीज ऑन अर्थ सरफेस, लार्ज वाटर बॉडीज ऑन अर्थ सरफेस, have you understand beta? समझ में आया सब बच्चों को? Yes ma'am. सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? Yes ma'am. सारे समझ में आ गए? Continent, landform, mountain. Yes ma'am. Yes ma'am. Yes. अब हम बात करते हैं आइलैंड की। आइलैंड क्या होता है? आपको मैंने बताया था, चैप्टर पढ़ाया था, जब एक होता है आइलैंड, एक होता है पेनिनसुला। देखो ये मान लो लैंड का एक टुकड़ा है, जमीन का टुकड़ा, ठीक है, लैंड है ये, इसके चारों तरफ क्या है? पानी ही पानी है, पानी ही पानी है चारों तरफ। तो लैंड का ऐसा एक पार्ट जिसके चारों तरफ पानी ही पानी होता है, उसे हम आइलैंड कहते हैं। नहीं सुनते, कई बार टीवी में देखते कि वो उस आइलैंड पे घूमने गया है। आइलैंड मतलब ऐसी लैंड, ए पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड, जिसके चारों तरफ हर साइड में पानी होता है। यहाँ कोई छोटा सिटी है, शहर है, गांव है, ठीक है, बहुत छोटा है तो छोटी जगह होगी, थोड़े लोग रहते होंगे, बड़ी जमीन है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई बड़ी सिटी है तो इसको हम क्या कहते हैं, जिसके चारों तरफ पानी पानी होता है, वहां वो होता है आइलैंड होता है। जैसे हमारे इंडिया के दो आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। अंडमान एंड निकोबार एक हो गया, सेकंड कौन सा है? लक्षद्वीप। ये दोनों हमारे आइलैंड किसके हैं? इंडिया के। और बहुत सारी कंट्रीज है जिनके बहुत सारे आइलैंड होते हैं, बहुत सारी कंट्री है जिनके छोटे 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 बहुत सारे आइलैंड होते हैं। समुद्र है, ओशंस है, उनमें बीच बीच में किसके? जमीन के टुकड़े होते हैं, जमीन के एरिया होते हैं जो आइलैंड होते हैं। समझ में आया बेटा? इसके साथ ही एक बार पेनिनसुला को भी समझ लो। पेनिनसुला जैसे आइलैंड में तो चारों तरफ पानी होता है, पेनिनसुला ऐसा एरिया होता है, मान लो कोई भी जमीन है, ठीक है, अब इसके इधर पानी है, इधर पानी है, इधर पानी है,
बट यहाँ पे क्या है, यहाँ ये जमीन से जुड़ा हुआ है, यहाँ कोई और शहर है और कोई कंट्री है, तो तीन तरफ पानी हो गया, 1 2 3 थ्री साइड, ठीक है। तो वो होता है पेनिनसुला, जैसे हमारे इंडिया है, इंडिया का मैप ले लो, जैसे ये हमारे इंडिया का मैप है, रफली बता रही हूँ मैं आपको, इंडिया है तो हमारे इंडिया का ये साउथ का पार्ट है ना, रफली बता रही हूँ सिर्फ समझाने के लिए, ये हमारे इंडिया का साउथ का पार्ट है। इस यहाँ हमारे क्या है, पानी ही पानी है, यहाँ यहाँ भी समुद्र है, यहाँ अरेबियन सी है, यहाँ बे बंगाल है, यहाँ इंडियन ओशन है, नीचे यहाँ भी पानी है, तो इसके यहाँ 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 तीनों तरफ क्या हो गया, वाटर ही वाटर है, यहाँ तो जमीन है ऊपर लेकिन यहाँ तीनों तरफ पानी है, तो ये हमारा इंडियन पेनिनसुला है, इंडियन पेनिनसुला कहते हैं हमें, जिस जो जमीन तीन तरफ से वाटर से कवर अप होती है, दैट इज कॉल्ड पेनिनसुला, एंड अवर इंडियन पेनिनसुला इन अवर साउथ पार्ट, हमारे इंडिया का जो पेनिनसुला पार्ट है वो साउथ में है। समझ में आया बेटा अच्छे से, हैव यू अंडरस्टैंड, समझ में आ गया बेटा? यस मैम, यस मैम, यस मैम। आइलैंड क्या हो गया, ए पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वॉटर, फ्रॉम ऑल साइड्स, चारों तरफ से वाटर से जो कवर साइड जमीन होती है, लैंड होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। बेटा ये दिखाई दे रहा है, हैव यू सी इट, क्या देख सकते हैं इसको? नो मैम, ये दिख रहा है ना, चलो मैं ये ऊपर लिख देती हूँ, नाउ यू कैन सी इट, पेनिनसुला 7 नंबर हमारा पेनिनसुला की मैंने अभी बात की है, ये ऑल साइड से होता है, वो थ्री साइड से होता है, ठीक है, सेम ही होगी इसके बिल्कुल, ए पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर from three sides, जो तीन तरफ से वाटर से कवर होती है। समझ में आ गया बेटा? Have you got it? Yes, ma'am. सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. चलो एक और है हमारा, वो भी लिख लेते हैं, आर्चिपेलागो, आर्चिपेलागो, ये चीजें थोड़ी सी आपको टफ लग रही होंगी, मुझे पता है बिल्कुल लग रही होंगी, पर टफ कुछ भी नहीं है, दो चार बार पढ़ोगे अच्छे से लर्न हो जाएगी और हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, ऐसी चीजें हैं आर्चिपेलागो। अब जैसे मैंने अभी बात की, बताया आपको आइलैंड, आइलैंड क्या होते हैं, जमीन के टुकड़े होते हैं जिसके चारों तरफ पानी होता है। अब कई जगह ऐसी है बेटा, बहुत सारी, जहाँ बहुत सारे छोटे छोटे जमीन के टुकड़े इस तरह ग्रुप्स में बने हुए हैं, इस तरह यहाँ थोड़ी सी जमीन है, फिर पानी पानी, फिर यहाँ जमीन है, फिर यहाँ पानी में जमीन है, फिर है, तो ये जो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं इनके, आइलैंड्स के बहुत सारे, अब चारों तरफ पानी है तो ये सारे आइलैंड है, आइलैंड्स का जो ग्रुप बना हुआ होता है इसे हम आर्चिपेलागो कहते हैं, ठीक है, ए पीस, ए ग्रुप ऑफ आइलैंड व्हिच आर क्लोज टुगेदर इन द सी, जो समुद्र में पास पास में दिखाई देते हैं, ग्रुप में दिखाई देते हैं आइलैंड, उन्हें हम आर्चिपेलागो कहते हैं, ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, देख लो जी आप बोल रहे थे, ए ग्रुप ऑफ
तुमको अपनी आइलैंड्स चार ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स व्हिच आर क्लोज टुगेदर इन द सी व्हिच आर क्लोज टुगेदर इन द सी बेटा लिख रहे हो या आपस में टॉकिंग कर रहे हो गीतांशी के यहाँ से आवाज आ रही है नो मैम लिख रहे हैं टॉकिंग की आवाज आ रही है बेटा आपस में घर में बातें कर रहे होंगे किसी से नो मैम ओके समझ में आया सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया क्या बेटा वर्ड मीनिंग सबको यस मैम यस मैम कॉन्टिनेंट लैंडफॉर्म माउंटेन हिल्स ओशन आइलैंड पेनिनसुला आर्चिपेलागो समझ में आ गए सब बच्चों को यस मैम ये चीजें यही आपको फोर्थ में भी पढ़ने को मिलेंगी फिफ्थ में भी सिक्स सारी आगे क्लासेस में जितने भी आप एसएससी पढ़ोगे ज्योग्राफी पढ़ोगे सब चीजें हमेशा आपको देख आपके आगे आएंगी तो दो चार बार पढ़ोगे इनको तो अच्छे से लर्न हो जाएंगी ऐसे आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट यस मैम ठीक है बेटा यस मैम चैप्टर की मैंने एक्सरसाइजेस सेंड कर दी थी सबने किया क्या इसकी नोटबुक में यस मैम किया है सारी एक्सरसाइजेस मैंने सेंड कर दी थी इस चैप्टर की आपको यस मैम वैसे तो ये आपने वर्ड मीनिंग भी कर लिए होगा क्योंकि मैंने ये भेजा था वर्क आपको पहले ही भेज दिया था ये वाला कर लिए थे सबने यस मैम मैं आज फिर से इनको करने के लिए दूंगी यही वर्ड मीनिंग्स आपको अगेन रिपीट करने हैं एक बार लिख लिए क्योंकि हार्ड है समझ में नहीं आएंगे इसलिए ये अगेन आपको करने हैं फिर से आपको रिवाइज करने हैं एज ए रिविजन यही वाले वर्ड मीनिंग्स मैं आज फिर से दूंगी वरना दोबारा दे दिए आपने तो पहले कर लिए थे है ना कोई बात नहीं है दोबारा से करोगे अच्छे से लर्न हो जाएंगे रिवाइज हो जाएंगे तो अगेन आपको क्या करने हैं ये नोटबुक में नोट डाउन करने हैं अपनी ओके बेटा चलो आज का तो टॉपिक कंप्लीट हो गया है अब कल नेक्स्ट क्लास में हम इस जो चैप्टर है इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे यस मैम ओके बेटा बाय यस मैम बाय बेटा गुड आफ्टरनून मैम बेटा